मैम 50 मॉडल नंबर भी प्रेजेंट हो गए हैं। क्या कह रहे हैं मैम? मैम 50 रोल नंबर भी एक प्रेजेंट है, वो भी आ गए। पहले पहले 15 रोल नंबर करें। यस मैम, मेरा प्रोग्राम नंबर 5 और 6 था। करें 6 करें, प्रोग्राम नंबर 6 करें। ठीक मैम, नॉर्मली प्रोग्राम प्रोग्राम नंबर 5.6 है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमिन वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले हमने C++ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी हेडर फाइल्स लिखी, हैशटैग इंक्लूड iostream और conio.h, उसके बाद void main और फिर हमने curly braces जो है वो ओपन की। सबसे पहले चूंकि हमने एक नंबर इनपुट करवाना है तो हम उसके लिए डेटा टाइप उसको इंटीजर लिख लेते हैं, इंटीजर n, और n रिप्रेजेंट्स अ नंबर, नंबर कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने सी आउट मतलब जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हमने लिखा एंटर अ नंबर, फिर वो नंबर हमने जो है वो इनपुट करवाया सी इन। फिर अगर हमने इफ कंडीशन यूज की कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद इफ इफ स्टेटमेंट जो है वो लिखने की बारी आ गई। उसके अंदर हम लिखते हैं सी आउट करवाया हमने कि नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से ग्रेटर जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। और यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज की। इफ कंडीशन यूज करने के लिए हम जिस स्टेप के अंदर इफ कंडीशन यूज करते हैं वहां पे कोई भी साइन नहीं यूज करते, और जो नेक्स्ट पे हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे यूज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं। जो इफ की बॉडी होती है उसके साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखते हैं, जो इफ की कंडीशन होती है उसके साथ कुछ नहीं आता। हाँ जी, उसके साथ कुछ भी नहीं यूज करते। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने ये पॉजिटिविटी शो करवा दी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इफ एन लेस देन 0 होगा, इसमें भी जो है वो हमने बॉडी के साथ जो है वो कुछ भी कंडीशन जो है वो नहीं यूज करवानी। उसके बाद फिर सी आउट नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस देन जो भी चीज है वो नेगेटिव में आ जाती है। फिर नेक्स्ट में हम लिखते हैं कि इफ एन इज ग्रेटर देन 0, एन इज इक्वल टू 0, इट मींस के जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 0 है। और एंड पे फिर हम गेट सी एच लिख के और अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। अगर इसको इफ एल्स के साथ करना चाहें हम, इफ एल्स के साथ करें मैम इसको तो जी। फिर मैम अगर हम इसको इफ एल्स के साथ करेंगे तो अगर तो जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ वाली, और अदरवाइज जो है अगर एल्स वाली जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नहीं, इसमें इसमें कितनी कंडीशंस हैं? इसमें मैम हम 3 कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, मतलब 3 तरह की इफ कंडीशंस हैं। तो फिर इफ एल्स हो गई है, मल्टीपल इफ एल्स हो गई। मैम मैम मल्टीपल ही होगी तो फिर क्या आएगा? मैम सॉरी, इसका मुझे आंसर नहीं आता। नेक्स्ट 15 के बाद 18। जी मैम, आप बताएं अगर हम प्रोग्राम 7 है, बेशक 7 है लेकिन है मैम मीन फेस इफ एल्स इफ आ जाएगा, इफ एल्स इफ मैम इफ एल्स इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो हम अप्लाई करेंगे इफ एल्स इफ इन मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो कैसे आएगा यहाँ पे? ये देखें, ये ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, ये लेस देन 0 वाली है, ये इक्वल इक्वल वाली है। तो इफ किसके साथ आएगा, एल्स इफ के साथ किसके साथ आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा? ये हो है ना प्रोग्राम? जी जी मैम। तो बताएं फिर क्या होगा? मैम ऐसे होगा ना कि हम पॉजिटिव को ले लेंगे इफ वाली स्टेटमेंट, और फिर हमारे पास उसमें एल्स में
इसके एल्स में, एल्स इसमें आ जाएगी नेगेटिव वाली स्टेटमेंट, और फिर अगर तो स्टेटमेंट ने दोनों ही हमारे पास जिन कंडीशन को सेटिस्फाई ना किया, दोनों को हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाना, तो हमारे पास लास्ट में एक एल्स वाला ब्लॉक है वो हमारे पास वो जीरो वाला नंबर बन जाएगा। यहाँ पे इफ आएगा, यहाँ पे एल्स इफ आएगा, और यहाँ पे एल्स आएगा, और एल्स के साथ हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते। नहीं लिखते जी मैम। प्रोग्राम सेवन स्टार्ट। प्रोग्राम नंबर 7 पे जाते हैं। प्रोग्राम नंबर 7 में है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 इंटीजर, हमने 5 इंटीजर्स को इनपुट करवाना है, एंड इफ फाइंड इट फाइंड्स एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर। अब यहां पे सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे बोर्ड से पे लिखा इंक्लूड आर स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल इंक्लूड पोनी डॉट एच, और वॉइड में हमने लिखा फंक्शन को अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, और हमने ब्रैकेट लगाई ब्रेसेस दोनों, कलर हमने ओपन ब्रेसेस लगाई। अब इसके बाद हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, वेरिएबल क्रिएट किया उसमें हमने ए बी सी डी ई के साथ हमने मैक्सिमम मिनिमम जो वेरिएबल है ये भी क्रिएट किया है। इसको क्लियर स्क्रीन हम ऐड करें, क्लियर स्क्रीन के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने सी आर सी आउट करके हमने एंटर फाइव इंटीजर्स, हमने फाइव इंटीजर्स हमने स्टेटमेंट जो है वो हमने लिख दी है, और अब एंटर फाइव इंटीजर्स हमारे पास आउटपुट पे शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए हमने, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट प्रोग्राम कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट प्रोग्राम, तो यहाँ पे सी जो है वो हम कंडीशन को यानी कि एक ही लाइन में हम कर देंगे सेटिस्फाई करवा देंगे। सी एन जो है वो हमारे पास एक्सेप्शन एक्सेप्शन सिंबल ए, एक्सेप्शन सिंबल बी, एक्सेप्शन सिंबल सी, फिर डी, फिर ई। हमारे पास अब हमारे पास हम से प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे पास हम अगर मिनिमम और मैक्सिमम को हम ए कहते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम को हमने ए कह दिया। अब पहले हम मैक्सिमम की कंडीशन को देख लेते हैं, फिर मिनिमम कंडीशन को देख लेते हैं। चलिए मिनिमम की कंडीशन पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अगर तो मिनिमम को अगर हमने ए कह दिया है, अगर बी हमारे पास इफ बी लेस देन मिनिमम आ जाए तो फिर इसका मतलब मिनिमम बी बन जाएगा, तो इसका मतलब जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो हमारे पास स्किप हो जाएगी। अगर हमारे पास सी जो है वो लेस देन मिनिमम आ जाए तो इसका मतलब फिर बी वाली जो मिनिमम जिसको हमने कहा था वो हमारे पास स्किप हो जाएगी और सी वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारे पास इसी तरह डी लेस देन मिनिमम आ जाए तो इसका मतलब मिनिमम डी बन जाएगी और जो सी वाली है वो स्किप हो जाएगी, ये डी वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर ई लेस देन मिनिमम आ जाए तो इसका मतलब मिनिमम ई बन जाएगी और हमारे पास जो इससे प्रीवियस जितनी भी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसकी ये लिखने के बाद अब यहाँ मैक्सिमम वाली देख लेते हैं कंडीशन। इसके बाद हमने इसकी सी आउट स्टेट जो सी आउट स्टेटमेंट है वो तो हमने लिखनी है, फिर हम मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम में भी यही कंडीशन है कि अगर तो आपके पास क्या होगा कि मैक्सिमम को भी हमने ए कहा है, अगर बी ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम से तो मैक्सिमम फिर बी बन जाएगा और ए वाले क्या होगी कंडीशन जो होगी वो स्किप हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह सी ग्रेटर देन मैक्सिमम होगा मैक्सिमम सी बन जाएगा और हमारे पास जो जो ए प्रीवियस कंडीशन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इस तरह मैक्सिमम अगर डी ग्रेटर देन मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम डी बन जाएगा और सी का कंडीशन जो होगी हमारे पास स्किप हो जाएगी, और मैक्सिमम अगर ई ग्रेटर देन मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम ई बन जाएगा और इससे प्रीवियस स्टेटमेंट होगी हमारे पास स्किप हो जाएगी। अब जो भी हमारे पास नंबर इन कंडीशंस इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मिनिमम की और मैक्सिमम की लगभग तो हमारे पास उसको हम एग्जीक्यूट करवा देंगे, अदरवाइज बातों को एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, बाकी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट में हमने लिख दिया लार्जेस्ट नंबर इज मैक्सिमम, और लार्जेस्ट नंबर लिख दिया या आउटपुट में डिस्प्ले होगा, इसलिए हम इनवर्टेड कॉमास में लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम सिंबल फिर एंड हमने यूज कर लिया स्टेटमेंट के एंड के लिए। अब हमारे पास न्यूज लाइन के लिए हमारे पास सी आउट है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ये भी डिस्प्ले होगा, इसके बाद फिर मिनिमम जो है नंबर जो होगा जो भी यहाँ से हमारे पास एग्जीक्यूट होके आया होगा हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा वो हमारे पास। तो अगर इसके अलावा फिर हमारे पास अगर पांच हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ये सारा प्रोसेस होगा, इसके बाद फिर इंसर्शन सिंबल और एंड आ जाएगा कैच। अगर हम इसी प्रोग्राम को अगर हम करवाना चाहते हैं कि इफ एल्स से करवाना चाहते हैं तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हम फिर इफ करेंगे, इफ वाले में मैक्सिमम वाले जो है वो हमारे पास मैम फिर इसमें हम इस प्रोग्राम में हम फिर मैम इफ एक मिनट मैम इधर Thank you.
चलो ठीक है नेक्स्ट रोल नंबर मैम इसमें मैम इसमें मैम स्विच मैम इसमें हम स्विच पे लगा सकते हैं स्विच स्विच लगा सकते जी लगा सकते हैं ठीक है मैम अब ये आपका काम है स्विच इस पे लगा के तो प्रोग्राम रन करके देखें आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एरर आ रहा है ठीक है मैम लगाया जा सकता है 12 या 14 रोल नंबर है नो मैम आगे 20 रोल नंबर अस्सलाम वालेकुम मैम मैम 5.8 प्रोग्राम है मेरा 5.8 और 5.9 प्रोग्राम रन करके दिखा सकती हैं मैम जी मैं रन करके मैम रन करके दिखाना है प्रोग्राम नंबर 5.9 कर सकती हैं मैम मैम प्रेजेंट करना है कि रन करके दिखाऊं रन करके दिखा रही ठीक है मैम स्क्रीन कैसे शो करूं मैं अब अपने वीडियो शेयर करें ना वीडियो ऑन करके चलो ठीक है ये वैसे बता दे मैम 5.9 वाला बताना है प्रोग्राम हमारे पास राइटर प्रोग्राम प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करते हुए हमने एक कोई भी अपना ईयर जो है वो इनपुट करवाना है और फिर हम बताएंगे कि हमारे पास लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है तो सबसे पहले हम अपने लिखेंगे हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच कोडमेन और फिर आगे हमारे मेन बॉडी स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है हमारे प्रोग्राम का इंटीजर हम वाई ले रहे हैं ईयर के लिए हम इंटीजर वाई ले रहे हैं क्लियर स्क्रीन फिर सी आउट हमने जो भी नंबर अपना ईयर एंटर करवाना है उसके लिए उसको हमने डबल कोटेशन में लिखा है हमने एज इट इज इसको एंटर करवाना है इसलिए फिर सी एन हम कोई भी अपना ईयर एंटर करेंगे अगर इफ इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है कि हम अगर तो हमारे पास अगर हम उसको 4 पे डिवाइड करें उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए और वो हमारे पास लीप ईयर होगा और अगर वो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर हमारी कंडीशन इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर वो नहीं होगी तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें बता देगा कि हमारा एंटर किया जाने वाला ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है
वो भी इफ एल्स स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए हमें बताना है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ओड. अब हमने सारा कुछ अपना वैसे ही लिखना है. आई इंक्लूड हैश इंक्लूड आइसक्रीम डॉट एच इंक्लूड फोनियो डॉट एच. और फिर आगे हमने अपना डाटा टाइप इंटीजर लिया एन. हम अपना कोई भी नंबर एन यहाँ पे एंटर करवाएंगे क्लियर स्क्रीन. फिर हमने एंटर नंबर एज इट इज चाहिए अपने आउटपुट में इसको डबल कोटेशन में हमने लिखा सी एन. हम अपना कोई भी नंबर इंटीजर जो है वो उसको इनपुट देंगे. अगर तो इसमें हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारा एंटर किया जाने वाला नंबर उसको टू पे डिवाइड करे उसका आंसर जीरो आएगा तो वो हमारे पास नंबर इवन होगा. और अगर हमारे पास वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कि वो नंबर हमारे पास ओड है. सी आउट फिर एन इज इवन. इवन भी हमें एज इट इज चाहिए उसको भी डबल कोटेशन में लिखा है. रोड भी हमें एज इट इज चाहिए उसको भी डबल कोटेशन में लिखा है. और इफ एल्स यूज करते हुए पता लग जाएगा कि हमारा एंटर होने वाला नंबर इवन है या ओड है. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम 5.10 प्रोग्राम. मैं राइट अप प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड. इफ इट एड्स 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15 इट एड्स. मतलब हमने इसमें इनपुट करवाना है सैलरी और ग्रेड और उसके मुताबिक हमने अगर हमारा ग्रेड 15 से ज्यादा है तो उस पे सैलरी पे 50% बोनस होगा और अगर 15 से कम है तो सैलरी पे 25% बोनस होगा. अब हमने पहले हेडर फाइल्स लिखनी है अपनी उसके बाद वॉइड मेन और उसके बाद क्लियर स्क्रीन. इसमें हमारे पास इंटीजर 3 है सैलरी बोनस और ग्रेड. जो सैलरी और बोनस है वो हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकते हैं इसलिए वो हम फ्लोट इंटीजर फ्लोट डाटा टाइप लिखेंगे. और ग्रेड क्योंकि हमारे पास इंटीजर में ही हो सकता है 15, 16 इस तरह तो हम उसको इंटीजर डाटा टाइप में लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे आउट सी आउट देंगे. उसके बाद एक्सटेंशन सिंबल के साथ हम लिखेंगे एंटर योर सैलरी. हम अपनी सैलरी लिखेंगे ग्रेड को इंटीजर डाटा टाइप के साथ क्यों लिखेंगे मैम. मैम क्योंकि जो ग्रेड है वो पॉइंट्स में नहीं ना होते वो इस तरह ही होते 15, 16, 17. उसके बाद हम अपना उसके बाद हम आउटपुट देंगे. वो हमें आउटपुट करवाना है एंटर योर सैलरी. उसके बाद हम उसको सी इन देंगे इंसर्शन सिंगल सिंबल के साथ वो सैलरी लिखेंगे. उसके बाद सी आउट करवाएंगे तो एंटर योर ग्रेड अपना ग्रेड लिखेंगे और सी इन करवाएंगे उसमें अपना हम ग्रेड लिखेंगे. अब इसमें हम इफ एल्स कंडीशन के साथ करेंगे. मतलब अगर हमारा जो ग्रेड है वो 15 से ज्यादा होगा तो हमारी जो सैलरी है उस पे हमें 25% बोनस मिलेगा और अगर उससे कम होगा तो मतलब ज्यादा होगा 50% और कम होगा 15%. फिर हम इस इफ कंडीशन के साथ लिखेंगे कि अगर हमारी इफ कंडीशन के साथ लिखेंगे अगर मतलब हमारी सैलरी को हम पहले सैलरी इनपुट करवाएंगे अगर 15 से कम है एक कंडीशन तो हमारी 25% से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज गिवन है. और अगर एल्स कंडीशन में अगर हमारे पास उससे ज्यादा है तो हम 50% से करवा देंगे और डिवाइड बाय 100 क्योंकि हमारे पास परसेंट में गिवन है. उसके बाद सैलरी हम लिख देंगे जो टोटल सैलरी होगी और बोनस जो हमें मिलेगा. और हमारे पास ये आउटपुट हम लिखेंगे जो टोटल सैलरी इज रुपीज तो वो हमारी जो सैलरी होगी वो हमें मिल जाएगी और गेट सी एच. अगर दोनों में से अगर सपोज करें इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो फिर सैलरी क्या बनेगी. अगर मैम इफ वाली स्टेटमेंट शो हो तो मतलब हमारी जो सैलरी है उस पे हम 50% बोनस लगा के उसका आंसर एग्जीक्यूट होगा. आंसर ऐड करके सैलरी में फिर एग्जीक्यूट होगा. हां जी यस मैम. उसके बाद एंड पे सैलरी और आंसर सैलरी और बोनस ऐड करके उसका आंसर आएगा. ठीक है 22 रो नंबर. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम मैम 5.11 प्रोग्राम था मेरा.
मैम 5.11 हुआ। यस मैम। स्टार्ट करें। Write a program that inputs two integer if determines and prints if the first integer is a multiple of second. इसमें हमने दो integer put करने हैं और देखना है कि जो हमारा पहला integer है वो second का multiple है कि नहीं है। सबसे पहले हमने अपनी header files add करनी है, hashtag include iostream.h, hashtag include conio.h, उसके बाद voidman clear screen, और फिर हमने अपना data type डालनी है integer a और b, जो हमने दो इंटीजर अब एक दूसरे के मल्टीपल देखने हैं। फिर सी आउट एंटर फर्स्ट इंटीजर, ये हमें एज इट इज आ जाएगा आउटपुट में प्रिंट होके। फिर सी एन हमने अपना इंटीजर ऐड करना है, उसके बाद सेकंड इंटीजर भी ऐसे ऐड करना है। फिर हमने इफ कंडीशन लगानी है, इफ परसेंटेज इक्वल जीरो, यानी कि फिर ये कंडीशन है कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं कि नहीं। फिर सी आउट फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड, एल्स सी ए द फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड। गेट सी एच, और फिर हमने अपनी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। फिर जब हमारा आउटपुट आएगा तो उसमें हमने अपना इंटीजर ऐड करने हैं फर्स्ट और सेकंड, देन हमारे पास आउटपुट ये आ जाएगा कि अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो हमारे पास नीचे आउटपुट आ जाए मल्टीपल, द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अदरवाइज जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकंड वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। Next. Assalamu alaikum ma'am. 23 roll number. Assalamu alaikum ma'am. Wa alaikum salam. 23 roll number hai. Ma'am 23 roll number hai, program number 12 hai. Okay. Let's start. Let's start. 12 मैम ये नहीं था, 12 वो है जिसमें टू नंबर्स हैं और ये बताना कि इक्वल है कि नहीं। बेटा बुक खोल के देखिए 5.12 यही प्रोग्राम है मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ। मैंने 4.12 नहीं लिखा, मैंने 5.12 लिखा है। आपने किया हुआ है ना कुछ तो मुझे बताएं। चल ठीक है मैम, मैं ये बता देता हूँ फिर। इसमें ये प्रोग्राम में राइट इनपुट दैट इनपुट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर। आवाज नहीं आ रही। फॉर अ फर्स्ट स्टूडेंट एंड डिस्प्लेस द ग्रेड अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड है। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main, फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद क्लियर स्क्रीन। आपकी आवाज नहीं आ रही। इन यहां पर इंटीजर हम अपना यूज करेंगे स्कोर, एंटर योर टेस्ट स्कोर, और फिर सीन नेक्स्ट पेज मैम वो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ये बताइए यहाँ पे मल्टी क्या ये प्रोग्राम आ रही है मैम आवाज। अब आ रही है क्या ये प्रोग्राम इफ के साथ इफ एल्स के साथ और मल्टीपल इफ एल्स के साथ हो सकता है। मैम ये वाला मल्टीपल इफ एल्स के साथ हो सकता है। ये हुआ है ना, इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। आवाज नहीं सही आ रही मैम, क्लियर नहीं आ रही। मैं इसी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, क्या ये इफ के साथ या इफ एल्स के साथ हो सकता है। अगर होगा तो क्या चेंजिंग आएगी।
नहीं मैम, इसमें कंडीशन ज्यादा दी है, वो इफ एल्स के साथ नहीं, ये मल्टीपल इफ एल्स के साथ होगा। क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता? जो हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम देखा था मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसमें भी तो 5-6 कंडीशंस थे, लेकिन वो इसके साथ किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 24। No, मैं वो नहीं है। 25। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। 5.15 जी मैम। 25 जी मैम। 25 रोल नंबर प्रोग्राम 5.15। मैम करो स्टार्ट। 5.15 मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए दिया हुआ था। जी मैम यही किया। मैम करो स्टार्ट। दो मिनट जा रहे हैं, मुझे स्क्रीन पे शेयर करने दें। जी मैम 129 पेज है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी इफ द सैलरी इज 20,000 और मोर इट डिटेक्ट 7% ऑफ द सैलरी। इसमें हम जो इनपुट है वो सैलरी देंगे और अगर सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा आ जाएगी तो जो सैलरी होगी उसमें से हम 7% जो है वो डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। इफ द सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, अगर सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा आएगी तो फिर हम जो टोटल सैलरी होगी उसमें से 1,000 जो है वो निकाल देंगे। इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिटेक्ट नथिंग, अगर वो 10,000 से भी लेस आ जाएगी तो फिर हम सैलरी में से कुछ नहीं निकालेंगे, जो सैलरी होगी वो ऐसे कैसे ही आ जाएगी। इट फाइनली डिस्प्ले द नेट सैलरी, और नेट सैलरी को हमने डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हैश इनक्लूड iosoteam.h, हैश इनक्लूड conio.h, वाइड मेन, उसके बाद मेन बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंटीजर डाटा टाइप जो है वो हमने सैलरी ली है, और फ्लोट डाटा टाइप हमने नेट सैलरी ली है, क्योंकि जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है। 10% डिडक्ट करेंगे फिर वो पॉइंट्स में आ सकती है। जी मैम, इसलिए हमने उसको फ्लोट में लिया है, और आगे क्लियर स्क्रीन है, और सी आउट हमने करवाना एंटर सैलरी के ऐसे कैसे है, आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा सी इन सैलरी, फिर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन है कि अगर सैलरी जो है वो 20,000 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास जो नेट सैलरी आएगी वो सैलरी में से हम सैलरी पहले तो ये देखा जाता है ना कि कंडीशंस कितनी बनती हैं। यहां पे आप देखिए 3 कंडीशंस हैं जिसमें कंडीशन जी मैम इसमें से ज्यादा हो, ये 20,000 हो, बिटवीन 20,000 एंड 10,000 हो, और लेस देन 10,000 की बनती है। ठीक है जी मैम। जी मैम, अगर 20,000 से ग्रेटर होगी तो सैलरी में से हम 7% डिटेक्ट कर देंगे, और इल्स एफ में अगर कंडीशन हम लिखेंगे सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 10,000 है तो हम सैलरी में से 1,000 डिटेक्ट कर देंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो सैलरी है वो हमारी वैसे ही आ जाएगी। फिर बाद में से आउट हमने कराने के बाद नेट सैलरी इज ऐसे कैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी, और इंसर्शन ऑपरेटर नेट और जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी, और गेट सी एच खत्म हो जाएगी। ठीक है क्लास।